की मृत्यु हो जाने पर और तीसरे साधु के गंभीर रूप से बीमार हो जाने पर अचानक जिला प्रशासन मथुरा में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर तत्काल जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र और SSP मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक आश्रम में 3 साधु रहते थे, आज सुबह किन्हीं कारणों से उनकी तबीयत खराब हुई है। बगल के लोगों ने आकर के उनमें से जब देखा है तो उनमें से 2 की डेथ हुई है और एक जो है राम बाबू जी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राम बाबू जी से प्रथम दृष्टिया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपने ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और DM साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज़ का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़रूरी नमूने हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके सैंपल्स और सीन ऑफ क्राइम की जो है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाएगी। मृत्यु का कारण इन्हीं जो चीज़ों से पता चलेगा, उसी के बाद मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ जो राम बाबू जी हैं जिनका इलाज चल रहा है उनके भी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि उनके संबंध में भी जो पूरी कोई नमूने लेने हैं, बाकी चीज़ें हैं वो ले लें और साथ में उनका एक डिटेल्ड बयान भी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे उनसे नोट किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई है जो वो की जाएगी।